हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल डेंटा कैम्प। मैं हूं डॉक्टर रजनी और आज हम आपको बताएंगे कि आरसीटी के बाद कैप लगवाना क्यों ज़रूरी होता है। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल डेंटा कैम्प एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मोस्टली पेशेंट को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि आरसीटी के बाद उन्हें कैप लगवानी चाहिए या नहीं। फॉर दैट हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैप ना लगवाने से उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैप लगवाने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे मेन एडवांटेज होता है कि आपके तुत की लाइफ टाइम जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है आफ्टर कैप, क्योंकि आपको आरसीटी तभी एडवाइस की जाती है जब आपकी जो कैविटी है वो बड़ी हो गई है, आपकी जो इन्फेक्शन है वो पल्प तक पहुंच गई है, मींस दांतों की नसों तक पहुंच गई है। सेकंड, जब हम आरसीटी करते हैं उस टाइम क्या होता है, तुत को प्रिपेयर किया जाता है ताकि अंदर तक प्रॉपर नसों तक असेस मिल सके, जिसकी वजह से तुत स्ट्रक्चर का कुछ पोर्शन और लूज हो जाता है और ओवरऑल तुत स्ट्रक्चर हमारी वीक हो जाती है। थर्ड, जब हम आरसीटी करते हैं हम दांतों के अंदर से जो उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है वो रिमूव कर देते हैं। एज ए रिज़ल्ट जो हमारा दांत होता है वो डेड हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, और जब इन तीनों रीज़न की वजह से तुत स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक हो जाता है तो जब हम बाइटिंग फोर्सेस डालते हैं तो उसकी वजह से हमारे दांत के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम आरसीटी करवाने के बाद कैप नहीं लगवाएंगे तो हमारे आरसीटी करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो आरसीटी पे इन्वेस्टमेंट की है वो भी वेस्ट जाएगी। इसलिए आफ्टर आरसीटी कैप लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड फ़ायदा होता है कि जो आपके तुत में फूड लॉजमेंट की खाने फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। थर्ड, जो आपकी माइक्रो लीकेज या कंटामिनेशन होने के चांसेस तुत में वो भी कम हो जाते हैं और री इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि लीकेज नहीं होगी उसकी वजह से वहाँ पे कोई इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। अगर नहीं लगवाते तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान हमें होगा कि आपका दांत बाइटिंग फोर्सेस की वजह से टूट जाएगा और आपकी आरसीटी करवाए का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अदर देन दैट, जब भी हम आरसीटी करते हैं उसके बाद जो हमारे दांतों का जो कलर होता है वो थोड़ी सी डिस्कलरेशन होने स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा ग्रेश कलर का होने शुरू हो जाता है, स्पेशली आगे वाले दांतों में अगर डिस्कलरेशन हो जाएगी और वो देखने में भी एस्थेटिकली अच्छे नहीं लगेंगे। दो दांतों के बीच खाना फंसने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जब हमने कॉर्नर में फीलिंग की होती है तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत मिसप्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना फंसने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। पेशेंट्स को होता है कि आरसीटी भी करवाई है और कैप भी लगवाया है, ओवरऑल चार्जेस जो इंक्रीज़ हो जाते हैं, बट अगर आप आरसीटी के बाद कैप नहीं करवाते तो आपकी आरसीटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका दांत लाइफ लॉन्ग चले तो आरसीटी के बाद कैप ज़रूर लगवाएं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।